धार जिले के पीथमपुर राव बाईपास पर रात को सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों को जेसीबी ने रौंद दिया। हादसे में दो लोगों के गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए इंदौर भेजा गया है। हादसे के बाद जेसीबी खेत में जा गिरी। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह जेसीबी को खेत से निकलवाया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दो लोगों की मौत हुई है, तो वहीं पुलिस ने अभी तक किसी भी मौत की पुष्टि नहीं की है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। क्या घटना थी? ये विशाल चौराहे से जो टीही रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है, यहाँ राव पीथमपुर रोड पर, यहाँ पर कुछ रोड किनारे सब्जी की दुकान लगाने वाले जो लोग थे, यहाँ पर सब्जी की दुकान लगाए हुए थे। तो आज शाम करीब 7 बजे एक जेसीबी चालक पीथमपुर की तरफ से आ रहा था, और उसके द्वारा अपनी जेसीबी का कंट्रोल खोने से जेसीबी सब्जी वालों के ऊपर चढ़ गई रोड किनारे और जेसीबी नीचे खेत में समा गई है। दो व्यक्ति इसमें बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल भेजा गया है और स्पॉट क्लियर किया जा रहा है। ट्रैफिक सही है। उनके नाम बताने मूलचंद और गोपाल नाम के बगौदा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, और अभी क्लियर होगी स्थिति तब फिर आगे मैं कार्रवाई। ठीक है, आपका नाम और पद बताइए। शशिकांत चौरसिया, TI किशनगंज। सरपंच साहब, ये कई घटना थी? ये अभी टी फाटा चौराया है और यहाँ पे एक दुर्घटना घटी है, जिसमें दो आदमी शांत हो चुके हैं, करीब 7-8 आदमी थे, उसमें से बाकी सब सुरक्षित है। और जो शांत हुए उनका नाम है, एक का नाम है मूलचंद पंवार, पिता जानकीलाल पंवार, और दूसरा आदमी है गोपाल सोलंकी, उनके पिताजी का नाम है गेंदालाल सोलंकी और वो बगौदा के निवासी हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मूलचंद चौधरी, मैं बगौदा सरपंच हूँ। और ये घटनाक्रम करीब 7 बजे के आसपास समथिंग में हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।